शाक्त या सूर्योपासक, क्वेश्चन है आपका पहला और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर एक सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, फटाफट से जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब। बढ़िया, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका बी, यानी कि शैव धर्मानुयायी। वैष्णव जो थे वो थे अलवार, याद रखिएगा। कभी आपसे पूछे अलवार संत कौन थे तो याद रखिएगा ये वैष्णव धर्मानुयायी थे और जो नयनार थे ये शैव थे, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं है, आपको बताना है इनमें से कौन सा अलवार संत नहीं है। पोए गई, त्रिज्ञान पूरम और त्रुमलंगाई, कौन नहीं है ये आपको बताना है, फटाफट से जवाब दिए। क्वेश्चन है आपका टू, कौन नहीं है ये आपको बताना है। बढ़िया, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका बी, त्रिज्ञान। पोए गई, पूरम और त्रुमलंगाई ये कौन है, ये है आपके अलवार संत, याद रखिएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था, आपको बताना है इनमें से कौन सा एक जो है प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। चतुर्वेदी मंगलम परिषद, अष्ट दिग्गज मणिग्रामम, क्वेश्चन है आपका थ्री, आपको बताना है क्या होगा इसका सही जवाब। बताइए किसे प्राचीन भारत में किसे व्यापारियों का एक निगम कहा जाता था, इसमें से आपको बताना है व्यापारियों के निगम को किस नाम से जाना जाता था, ये आपको बताना है, याद रखिएगा। सही जवाब हो जाएगा आपका डी, मणिग्रामम, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि मणिग्रामम। इसके अलावा एक है आपका बलंजियर, इस नाम से भी अगर कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, इस नाम से भी जो है व्यापारियों का निगम जाना जाता था, तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, यह आपको बताना है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जो है किसके साथ लड़ा, कुली कुतुब शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक, इस्माइल आदिल खान और गजपति, क्वेश्चन है आपका फोर, महत्वपूर्ण प्रश्न है, जल्दी से बताइए। और आपको इस क्लास को शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चों तक जो है क्लास पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो। शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, आपको इस क्लास को शेयर करना है, ठीक है। दुखी ना हो, क्वेश्चन देखो, जवाब दो, अपने आप चेहरे पे प्रसन्नता आ जाएगी। बताओ जरा, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा, ये आपको बताना है, बताओ जरा। क्वेश्चन है आपका फोर, सी बी दोनों ही गलत है, जिन्होंने जवाब दिया है बी और सी दोनों ही गलत है। सही जवाब हो जाएगा आपका ए, यानी कि कुली कुतुब शाह, क्या हो जाएगा कुली कुतुब शाह। अगला प्रश्न, प्रश्न है आपका यह, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका, इनमें से बताना है बेसिकली कि कौन सा एक व्यक्ति है जिसे कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नहीं चुना गया है। लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट प्रथम महिला थी जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, कौन थी प्रथम महिला, और याद रखिएगा अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला तो ये कौन हो जाएंगी, ये हो जाएंगी सरोजनी नायडू, क्या हो जाएंगी सरोजनी नायडू, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब है आपका डी, बाल गंगाधर तिलक, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि बाल गंगाधर तिलक, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका यह, निम्नांकित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादक उत्पादन केंद्र है, सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है, मयूराक्षी, मचकुंड, पल्लीबासर और शिव समुद्रम, क्वेश्चन है आपका सिक्स, आपको बताना है सही जवाब इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह आपका, बताइए जरा, बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा आपका डी, यानी कि शिव समुद्रम।